हेलो। जय महाराज, जय प्रणाम। हाँ, जय माता की। कौन बोल रहे हैं? धीरज शुक्ला बोल रहे थे प्रयागराज से। जी बताएं। एक हमारी भी व्यथा थी जो है पंडोखर सरकार के यहाँ की। अच्छा जी, बताइए। तो क्या था कि एक साल पहले मैं गया हुआ था अपने बेटे को लेके, तो उसके पैर में थोड़ी दिक्कत थी, उसको चलने में समस्या थी। हाँ वहाँ पे गए, पर्ची वगैरह कटवाए, कटवाने के बाद महाराज जी को दिखाए, इसके बाद कहे कि धीरे धीरे इनको आराम हो जाएगा। लेकिन आने के बाद से क्या हुआ कि वो बेटा हमारा चलना ही बंद कर दिया। अरे जी पहले पहले चलता था। हाँ, उसको पहली बार जब वहाँ गए थे तो ले करके गए थे, और उसके बाद से जब वहाँ से आया तो उसके बाद से फिर वो चलना जो है एक आध महीने बाद, मतलब कि दोबारा जब अमावस्या करने जाना था तो वो चलने की हालत में नहीं था। तो फिर मुकेश गुप्ता जी को भी हमने बताया, मिला महाराज जी, तो फिर दोबारा मिल नहीं पाते हैं बिना पैसों के। और पैसों से भी मिलने के बाद क्या होता है कि दोबारा वो फिर सारी चीज़ें लिख देते हैं कि हवन कराइए, रामायण कराइए, नारियल बांधिए। तो भाई अब हम सामान्य लोग हैं, इतना पैसा बार बार देने में तो सक्षम है नहीं। बिल्कुल। तो मुकेश गुप्ता जी को हमने दो तीन बार बताया, जितनी अमावस्या पे जाते थे बताया, वो कहे धीरे धीरे आराम हो जाएगा, चलने लगेगा। लेकिन आज तक वो बेटा जो है फिर से मतलब कि अभी चल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये कब की बात है? ये लगभग साल भर बीत गए होंगे। अच्छा, डॉक्टर को आपने दिखाया था उसके पहले? हाँ, उसके पहले भी डॉक्टर को दिखाए थे, डॉक्टर समस्या कुछ बताए थे जो है। तो फिर महाराज जी का देख रहे थे टीवियों पे, लगातार इनका आ रहा था, बहुत प्रचार प्रसार चल रहा था। तो बागेश्वर धाम भी गए थे, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, तो महाराज जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ तो टोकन सिस्टम है। तो उन्होंने, उनके चेले लोगों ने कहा कि आप नारियल बंधन उंधन कर दीजिए, अर्जी लगा दीजिए, उसी से आराम हो जाएगा। तो वहाँ भी अर्जी वगैरह लगा दी है। हाँ। फिर वहाँ से पंडोखर धाम गए कि भाई चलिए, यहाँ तो मान लीजिए पैसा लेते हैं लेकिन महाराज जी मिल जाएंगे। तो बागेश्वर में अर्जी बंधन सब किए, उसका कोई लाभ नहीं मिला? अब लाभ तो जान ही रहे कि वहाँ पे भी बेटे को लेके गए थे, आने के बाद से फिर बेटा नहीं चल पा रहा है। अब लाभ तो आप खुद ही जान सकते हैं कितना लाभ होगा। नहीं, वही है, आपके शब्दों में हम जानना चाह रहे हैं, बाकी तो हम अब बहुत कुछ जान गए महीने दो महीने में। जी जी और ये जब आप यहाँ गए थे तो कितने दिन रुकना पड़ा था पंडोखर धाम में? पंडोखर धाम जैसे गए थे तो वहाँ तो भाई लगा कि छोटी पर्ची कटाने में तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो 7200 रुपये की पर्ची हमने कटवाई थी। तो 7200 में हमको लगता है कि तीसरे दिन की चौथे दिन नंबर आ गया था। और उसके बाद फिर हमने हवा 7200 रामायण पर्चियों में तो काफी समय वहां लगता है, ऐसा है कुछ? छोटी पर्चियों का तो आज के समय में नंबर ही नहीं आ रहा है, तो फिर उनके इसीलिए द्वारा क्या बताया गया पर्ची कटाने के बाद? पर्ची कटाने के बाद महाराज जी कहे कि अमावस्या कीजिए, एक दो अमावस्या में आराम मिल जाएगा, हवन वगैरह करा लीजिए। तो सारी प्रक्रिया जितनी भी थी वहाँ, लगभग 7-8 अमावस्या भी किए, हवन भी करवाए, नारियल बंधन भी किए, मतलब जो भी हर अमावस्या की पर्चियाँ कटती हैं। हाँ हाँ, हर अमावस्या में जो है तो जितने वो वहाँ हजार रुपये वहाँ वहाँ कोई कारण बताया उन्होंने, किस क्या कारण है? कारण उन्होंने वही बताया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बताया कि ये धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आराम की स्थिति तो आप जान रहे हैं कि जब बालक चलना ही बंद कर दिया। बताइए, ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं और पूरा समाज का शोषण कर रहे हैं। वहाँ चमत्कारिक प्रक्रिया दिखा रहे हैं 5 मिनट का टीवी पे बैठ के, और उसके पीछे जितनी सारी चीजें हैं उसका वर्णन करते नहीं है, बताते नहीं है। वही वही, मतलब कि जो लोग जा रहे हैं उनको क्या फायदा होता है, ये भी तो एक लोगों को बताना चाहिए समाज के बीच में। भाई आप इतना पैसा ले रहे हो, अब कोई भी आदमी, अब हम लोग इलाहाबाद से झांसी जाते हैं, झांसी से उन्हीं की सारी गाड़ियां रहती हैं, 200 रुपये उसका किराया है, 200 रुपये जाने का, 200 रुपये आने का, फिर अर्जी की पर्ची 1500 रुपये की कटवाइए, वहाँ पे होटल रह के लेके रहिए, इसके बाद फिर आप दूसरे दिन आइए, फिर उनका मिलने का भी कोई टाइम नहीं है कि भाई आप जैसे इधर से गए आप रिटर्निंग का टिकट भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि टिकट करा लीजिएगा महाराज जी पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे, और जब महाराज बैठेंगे तभी आपको रक्षा सूत्र बांधा जाएगा।
इस तरीके का काम नहीं, ठीक है पैसा ले रहे हैं वो ठीक है जो भी कर रहे हैं, लेकिन आदमी को कम से कम लाभ तो मिलना चाहिए, और अगर हमको लाभ नहीं मिल रहा है तो वहाँ कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। वहाँ पे पर्ची कटवाने के बाद आपकी कोई सुनने वाला नहीं, आपको इस तरह दुत्कारा जाता है जैसे कि कुत्ते को लोग भगाते हैं। बताइए वो स्थिति है वहाँ पे, तरह से बता रहे हैं कि हनुमान जी का स्थान है, सारी चीजें हैं और उसको बर्बाद करके रखा है उनने, मतलब कि पूरी तरीके से जो है। अभी विडम्बना ये है ना कि समाज में व्यक्ति क्या बताएं, ऐसी ही जगहों पर जाते हैं जहां पर थोड़ा भी चमत्कारिक समझ में आता है, जबकि ऐसा कुछ ना कभी हुआ है ना कभी होता है, जो सिद्ध संत होते भी हैं। होता क्या है ना सर कि जब कोई भी आदमी परेशान होता है तो उसको अगर आप मट्टी भी दे दीजिए तो एक मिनट के लिए विश्वास मान लेता है। बिल्कुल बिल्कुल यही। तो अभी जो लोग ऐसे जा रहे हैं भाई, इनको तो कहीं से लाभ नहीं मिला, अब ये देख रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई 50,000 रुपए खर्च करते हैं, क्या पता यहीं से कुछ हो जाए, क्योंकि भाई चैनलों पे पेपर पे सोशल मीडिया पे तो दिखाया ही जा रहा है, तो लोगों को ये लगता है ना कि भाई कि चलिए भाई जब इतना पैसा खर्च किए या हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है तो यहीं जाके हम दिखा भाई, जैसे कैंसर जैसी बीमारी को बताते हैं कि ठीक कर देते हैं, तो जिस आदमी को कैंसर हुआ है वो अपना जीवन देखे कि पैसा देखे। अब परसों आया था हमारे पास, आपने देखा होगा यूट्यूब में, कल हमने डाला है। जी जी हम तो लगातार देख रहे हैं, बहुत अच्छा भी लगा हमको जो है। सर कैंसर उनके पिताजी को था, गए वहाँ, उनने बताया ठीक हो जाएंगे और खत्म हो गए। नहीं नहीं बहुत सारे ऐसे केसे हैं अभी तक, तो मान लीजिए अब आप लोग पहल कर रहे हैं तो काफी जो है लोगों को उससे जागरूकता हो रही, नहीं अभी तक तो कुछ था ही नहीं, लोग केवल जो है आ रहे थे जा रहे थे और इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। हमें भी, हम जो आश्रम में हम लोग रहते हैं यहाँ, हमको भी अनुमान नहीं था, वो तो गुरुदेव जी के चिंतन में था कि ऐसे लोगों के द्वारा समाज का शोषण किया जा रहा है, इसलिए नवरात्रि शिविर जो यहाँ लगा था तब से गुरुदेव जी महाराज इनका नाम लेके आवाज उठा रहे हैं, तब से बौखला भी गए हैं, काफी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ के विरुद्ध। नहीं नहीं वो तो हम लोग देखते ही रहते हैं लगातार जो है, उनका भी देखते हैं, आपका भी देखते हैं, तो उनका भी सुनते ही हैं। लेकिन ये है, लेकिन ये अच्छा हुआ है गुरुदेव जी महाराज ने आवाज उठाई है, तो आप जैसे जैसे आपने फोन किया तो 200-400 लोगों का फोन रोज आ रहा है कि भाई हम बहुत परेशान है और वहाँ जा रहे हैं और लुट गए हम, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक रुपए खर्चा करने की बात यहाँ पर आकर के लोगों ने बताई, पर्चे दिखाए अपने अमावस्या और रामायण पे रामायण, बहुत सारी चीजें। तो समाज को जागरूक करना ही अपना लक्ष्य है कि समाज, गुरुदेव जी ने कहा कि अपने घर में आप शांति से अगर एकाग्रता पूर्वक किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो निश्चित मानिए कि जो हमको मिलना है दैवीय विधान से वो हमें मिल जाता है, अलग से बहुत ज्यादा। और ऐसे स्थानों पर जाने पर तो और छीण ही हो जाता है, हमारा पैसा भी गया, ऊर्जा भी गई, समय भी गया। नहीं तो ऐसे लोग अगर भाई गलत कर रहे हैं तो इसका तो भाई समाज में गलत से भाई हमारी संस्कृति भी तो बदनाम हो रही है, जो विपक्ष में हमारे लोग बैठे हुए हैं वो भी तो हमको कोसते हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल भाई हमारे धर्म में इस तरह का काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। यही दृष्टिकोण समाज में होना भी चाहिए, नहीं तो अभी हम कुछ फोन आ जाते हैं एकाध की भाई सनातन धर्म में आप भी हैं वो भी हैं क्यों करते हैं, तो उनको बताया जाता है कि सनातन धर्म में चोला पहन लेने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी, कर्मों से होती है, त्याग तब वैराग्य से होती है। बिल्कुल भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई आप लूट रहे हो, लूटने के बाद लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, इसका बाद फिर आप तो हत्या कर रहे हो ना इस तरीके से लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल भाई आम आदमी एक एक रुपए कहाँ से इकट्ठा करके जाता है, आपके यहाँ महीनों पड़ा रहता है, 50,000 रुपए खर्च करके आता है, उसको एक पैसे का रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको जो भगवान से भी आस्था खत्म होती जाती है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा पैसा कर्जा लेके लोग जा रहे हैं और अपना काम यहाँ महीनों बिगाड़ रहे हैं, जो काम करते थे वो अलग से एक लॉस है भाई, चारों तरफ से उनको नुकसान हो रहा है ना, माइंडली आदमी प्रताड़ित हो रहा है, धर्म के प्रति उसकी आस्था खत्म हो रही है, सनातन संस्कृति से उसकी आस्था खत्म हो रही है, जो अच्छे लोग हैं उनसे फिर लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो भाई ये भी ऐसे होंगे लूट खपोस करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे और जो हमारे पास 10-20 हजार है वो भी लेके गायब हो जाएंगे। मेन समस्या यहाँ पे है ना, नहीं विरोध हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रभु सदगुरुदेव योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा ये मानिए कि बिल्कुल जैसा आश्रम में व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क सारे यहाँ क्रम, आवास, भोजन से लेकर गुरुदेव जी से मिलने से लेकर हर व्यवस्था शुल्क आप नहीं दिए, लेकिन जिस आदमी को कैंसर हुआ है वो आदमी ठीक हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको दान में पैसे दे के नहीं जाएगा। या बड़े बड़े अभी प्रयागराज में हमारे यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है संगम के पास,
वहाँ किसी से एक रुपया नहीं दिया जाता, लेकिन साल के अरबों रुपए आते हैं उस मंदिर में। वहाँ कोई थोड़ी ना कहता है कि आप भाई पैसा डालिए, लेकिन लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोगों का काम हो रहा है, इसलिए लोग दान दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत बड़ा धर्म स्थल बनाना चाहते हैं, लोगों को काम होगा, लोग ऑटोमेटिक पैसा देंगे। तिरुपति बालाजी है, कोई वहाँ पैसा मांगता है क्या किसी से एक रुपये? नहीं, दान दक्षिणा लोग करें ये तो ठीक है। इतना पैसा आ रहा है कि पूरा भारत उससे खा सकता है, लेकिन आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए ना। तो आपने टीवी पे देखा होगा, तो ये तो से कहते हैं कि मैं पैसे के लिए बैठा हूँ, जिसको आना हुआ है जिसको ना आना है। मेन कंफ्यूजन तो यहीं पे कि आप पैसा ले रहे हो, उसके बाद भी लोगों के काम नहीं हो रहे। लोगों के काम होंगे तो लोग तो पैसा इतना आपको देंगे कि आप रख नहीं पाइएगा पैसा। नहीं, सिद्धता कभी बाजारवाद नहीं बनाती है। वो सिद्ध ऋषि मुनि ऐसे भी होते भी हैं, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि हमको इतना दो तो हम करेंगे, है ना। वो सहज रूप से प्रक्रिया होती है। बिल्कुल भाई, जो आपके ठीक है अनुष्ठान चल रहे हैं उसके लिए लीजिए, लेकिन उसको लोगों को लाभ भी होना चाहिए, उसका फायदा भी मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, इन्हीं माध्यम से आवाज हम उठा रहे हैं, समाज को अवेयर कर रहे हैं। आपकी सहमति होगी तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी हम डाल देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डालिए भाई। हम श्रम तो अभी तो इनका 20 तारीख का है, उसमें भी हम जाएंगे, जो है 20 की 22 तारीख को है ना इनका, इन्होंने आह्वान किया है कि जिनके इनके काम नहीं हुए हैं। हाँ, ये 22 तारीख को इनने बुलाया। देखिए, एक आपने अगर इनको आप सुनते होंगे कभी, जी ये कहते थे अभी जब यहाँ से बात शुरू हुई थी तो एक भी पर्चा मेरा गलत होगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, है ना। ये शुरुआत थी इनकी जब हमसे बातचीत इनकी शुरू हुई थी। अभी ये क्या कह रहे हैं कि 50 लोग आ जाएं जिनका काम नहीं हुआ होगा तो मैं वो ये कर दूंगा, मैं विधान बताऊंगा। अभी अपने बात से देखिए कितना डिफरेंस है कि एक पर्चा गलत नहीं हो सकता, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो तो मैं दूसरी विधि बताऊंगा। ये सीधा सीधा अच्छा, और पर्चा लेके आने के लिए भी कह रहे हैं थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये योजना है कि हम पर्चे वर्चे नष्ट कर देंगे तो कोई ऐसे प्रूफ न दे पाए, ये सारी चीजें हैं इनकी। नहीं नहीं, प्रूफ है। अभी संजय साजन जी थे जो है, उनका भी जो चल रहा था, उनसे भी बात हुई तो उनसे यही हुई कि ऐसा ना हो कि भाई वहाँ जाने के बाद सबका पर्चे वर्चा ले लें। हाँ। और उसके बाद उसको फिर वो कर दे, कहे कि नहीं पर्चा आप हमको भी दे दीजिए, आप घर में भी रखिएगा, अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ हम लोग। कह रहा था ये संजय साजन जी है, वो भी इनका वीडियो चलाए थे। अच्छा, संजय साजन जी हैं तो उन्हीं के उस पे उन्होंने कहा कि 22 तो भाई उन्होंने भी अपने न्यूज चैनल पे चलाया। हाँ, तो उनसे बात हुई आपकी? हाँ, उनसे बात हुई तो कही नहीं, 22 तारीख महाराज जी से बात हुई है, वो सबको 22 तारीख को बुलाए हुए हैं। इनका आप 22 तारीख को जाइए और वहाँ इस तरीके का कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो आप अपना डिटेल्स दीजिए हमको, आप बताइएगा हम जो है फिर उसके बाद 22 तारीख को ये क्या करते हैं, इसके बाद फिर लगेंगे हम लोग। तो ठीक है, आपने फोन किया ही है तो आपसे हमारी यही अपेक्षा है कि 22 तारीख का पूरा विवरण एक बार हमें अवश्य बताइएगा आने के बाद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका आपका आप आपकी एक फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इसमें हम कर देते हैं। ये नंबर है ना व्हाट्सएप पे आपका? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। हाँ, हम अपनी फोटो और डिटेल्स पर्ची जो भी है सब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।